इसके अंदर सारे जो बोल्ट लगे थे 5 बोल्ट मैंने निकाल लिया है। अब इसे बाहर के ओर खींचेंगे तो ये निकल आएगा। जब इसका सारा कूलेंट निकल आए तो इसके साइड में लगे ये भी बोल्ट को आपको ओपन कर लेना है और इसे बाहर निकाल लेना है। कुछ इस प्रकार से ये निकल आएगा। ये देखें, यहाँ पे भी ओरिंग लगी होती है, काफ़ी ख़ास ध्यान रखें। अब कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर जो ये फ्लाई व्हील लगा हुआ है या फिर इसके अंदर जो ऑयल सील लगा हुआ है वो सही है या ख़राब, तो ये इंजन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। जब भी आप इसके कैप को ओपन कीजिएगा और इसे आप इसे दोनों डायरेक्शन में घुमा के देखिएगा, अगर ये परफेक्ट तरीके से टाइट हो तो समझ लीजिए कि ये सही है और इसके अंदर लगे जो ऑयल सील हैं वो परफेक्ट है। अगर ये रोटेशन आपको दिखे इसके अंदर, जैसे आप इससे हाथ से मूवमेंट करें तो ये घूमता हुआ दिखे, तो समझ लीजिए कि इसके बैक साइड में जो लगा हुआ ऑयल सील है वो ख़राब हो चुका है और उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो कोशिश करें जब भी आपका जो है इंजन ऑयल के साथ कूलेंट मिक्स हो रहा हो तो ये और इसके बैक साइड पे 2 ऑयल सील लगा हुआ जिसका पार्ट नंबर और इमेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, वो 2 ऑयल सील आपको चेंज करना है। कभी भी आपका ये जो कूलेंट है वो इंजन ऑयल के साथ मिक्स नहीं होगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिला हो कि किस तरह से कूलेंट को इंजन ऑयल में के साथ मिक्स होने से बचाया जा सके और जब भी मिक्स हो तो क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम होता है, सारे स्टेप को मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। और कभी भी आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आता है तो सिर्फ के सिर्फ ऑयल सील रिप्लेसमेंट करें, 100% आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगा। इसके बैक साइड में ऑयल सील लगा होता है।